ऋषि पूछ रहे हैं, इज इट नेसेसरी टू मेक एवरीथिंग इन दी डिजिटल लाइक वेबसाइट फेसबुक एक्सेट्रा इन दी इकोसिस्टम? यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कितने लोगों को ये सवाल पड़ता है? मेरे पास जो पर्सनल कंसल्टिंग कर रहे हैं कुछ लोग, उनमें से कई लोग मुझे ये कहते हैं कि यार वेबसाइट क्यों बनाऊं, मेरा कोई यूज नहीं है, क्या मतलब है वेबसाइट बनाने का, कौन संभालेगा, कौन इतना कंटेंट डालेगा। देखिए, डिजिटल इकोसिस्टम में सिर्फ दो चीजें हैं जो आपकी अपनी है, एक है आपकी वेबसाइट और एक है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट या फोन नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट और एक वेबसाइट। ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इकोसिस्टम में है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब टेम्पररी है, ये कभी भी शुरू हो सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल टिकटॉक का अभी हमने देखा है। टिकटॉक पर मेहनत करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाने वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स एक गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से बेघर हो गए, उनकी इतनी महीनों की, सालों की मेहनत की हुई सब पानी हो गई, सिर्फ इसी वजह से कि वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर ही थे। अगर उनका अपना वेबसाइट होता, अगर उन्होंने अपने फैन बेस को, अपने ट्राइब को, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन सबको किसी चैनल के थ्रू अपने साथ जोड़ा होता, अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ा होता, या अगर उनके पास उनके कॉन्टैक्ट्स होते, तो जो भी नेक्स्ट इकोसिस्टम में वो जाते, चाहे वो आईजीटीवी हो या रील्स हो या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक की तरह आ रहे हैं, उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो शिफ्ट होते तो इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर देम टू गेट द फॉलोइंग बैक। देखिए, आपकी जो वेबसाइट है ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कहते हैं कि यार मैं क्या करूं वेबसाइट बनाकर, जहां मेरी दुकान है वहां पर लोग अपनी शादी की परचेसेस करने के लिए आते हैं, बल्क में होलसेल में साड़ीज लेते हैं। ये साड़ीज कोई बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, इट्स वेरी जेनेरिक, लेकिन फिर भी फॉर एसईओ, लोकल एसईओ, मेरे मुझे डिजिटली लोग ढूंढते हैं, गूगल मैप हो, गूगल सर्च इंजन हो, सोशल मीडिया पे, जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और सारा इकोसिस्टम बनाना शुरू किया और उसे ऑपरेट करना शुरू किया, मुझे ट्रैक्शन दिखना शुरू हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, मेरे पास कस्टमर्स की इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, जो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ वो लोग देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसका कॉस्ट बताइए, ये कुरियर चार्जेस कितना होगा, ये कैसे भेजोगे आप, या इसमें और कलर्स हैं क्या। तो मेरा इंटरेक्शन उन लोगों के साथ शुरू हो गया जिनके साथ पहले नहीं था, तो आई विल नॉट बी लिमिटेड टू माई सिटी, मैं सिर्फ फुरसुंगी या सिर्फ हड़पसर या सिर्फ पूना सिटी के लिए मर्यादित नहीं रहूंगा, आई कैन ओपन अप माई बिजनेस। पर्सनल ब्रांडिंग करना मोस्ट एसेंशियल है आप सबके लिए, भले ही आप सेलिब्रिटी नहीं है, भले ही आप कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर नहीं है अभी, लेकिन क्या वो आपका गोल नहीं है? क्या आप यही चाहते हैं कि वही बिजनेस, वही जॉब, वही रोजमर्रा की जिंदगी आप जिए? हम डिजिटल आजादी में बैठे हुए हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ट्राइब है, ये आपको डिजिटल और ये आपको आजाद बनाएगी, और ये आजादी आपको, आप जब तक ब्रांड नहीं बनोगे तब तक नहीं हो पाए। कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांड वाला आदमी अच्छा एक्टर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, बात अच्छी करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो काम करते हैं उस काम में अगर आप निपुण न बनेंगे, उसमें अगर आप अच्छे बनोगे तो आप ब्रांड बन जाओ। और पर्सनल ब्रांडिंग करके अपनी वेबसाइट रेडी रखना, अपने थॉट प्रोसेसेस उस ब्लॉग में डालना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ट्रस्ट मी, द डे यू क्रिएट योर वेबसाइट और ये पूरा इकोसिस्टम जब आप एक साथ लगा दोगे, उसके बाद एक कंटेंट आप किसी एक जरिए पे पुश करोगे, वो सब जगह घूमने लगेगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, और इसीलिए इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके अमित, हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स एंड कन्विंस देम टू गिव मी देयर वर्क रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग? अमित, डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस फंडा बताता हूं मैं आपको, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे तब तक आपको काम नहीं मिलेगा।
और इस बिजनेस का एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं जाकर सालों साल जॉब करने की, वर्क एक्सपीरियंस मिलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का जॉब चाहिए या आप काम ढूंढ रहे हैं, आप एजेंसी वर्क कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। एक वेबसाइट बनाइए अपनी, एक निश को ढूंढकर, निश को, ओके, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो बहुत डीप हो, नैरो हो, वाइड नहीं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग पर वेबसाइट मत बनाइए, एकदम डीप जाकर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाइए, उस पर ब्लॉग बनाइए, उस पर कॉन्टेंट डालिए, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, ऑडियो कंटेंट हो, इन्फोग्राफिक्स हो, ब्लॉग हो, लिखा हो, उस पर कंटेंट डालिए, उस कंटेंट को वायरल कीजिए, उसका एसईओ कीजिए। अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हुआ, अगर गूगल पर आप अपने कीवर्ड के लिए लिस्ट होना शुरू हो गए, उसके बाद आप किसी को भी जाकर अप्रोच करोगे कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने ब्लॉग लिखा है और ये गूगल पर इस रैंक पर है, आपको जॉब मिलना शुरू हो जाए। बट फर्स्ट यू नीड टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड, जो भी आपने मुझसे सीखा है, वीडियोस को देखकर, दोहरा कर, सेकेंड टाइम देखकर, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ ये वीडियोस देखकर ये नॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद आपको काम नहीं मिलेगा। कि आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कुछ भी आपने सीखा है, एक बेस तैयार करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और अगर आपके इकोसिस्टम में ट्रैक्शन दिखता है, आपके फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पर फॉलोअर्स है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, देयर इज कम्युनिकेशन, लोग कॉमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो आप किसी को बोल सकते हो कि यार मैं आपका इकोसिस्टम बना सकता हूँ। फिर आपकी वेबसाइट हो, एसईओ हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, एड्स हो, या जो भी। ओके, तो आपके सवाल का जवाब तो यही है। रेशमा जी पूछ रहे हैं, फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, विच लिंक शुड बी शेयर्ड ऑन द फेसबुक लिंक ऑन वेबसाइट। ओके, देखिए, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। फेसबुक का जो पेज है वो फेसबुक के वॉल की तरह है, वहां आप पोस्ट करते रहेंगे, वो नीचे खसकता रहेगा, ठीक है, लोग देखेंगे और लाइक करके, बस आपको सिर्फ लाइक्स पता चलते हैं कि फेसबुक पेज पर आपको कितने लाइक्स हैं। वेयरएज फेसबुक ग्रुप जो है, ये ग्रुप एक ट्राइब बनाने का काम करता है, एक मेंबरशिप बनाने का काम करता है। तो आपका इंटेंशन क्या है, जो आपके वेबसाइट पे आता है, एक बार उन्होंने अगर आपके वेबसाइट पर विजिट किया तो उन्हें आई थिंक यू शुड गेट देम इनटू योर ग्रुप। एंड हाउ टू गेट पीपल ऑन योर वेबसाइट फ्रॉम योर फेसबुक पेज, बलबॉन हुआ, फेसबुक पेज पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करो जिसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट चेक करने के लिए पहुंचे। वेबसाइट पर एक ऐसा बटन रखो कि अगर उनको पसंद आता है और अगर वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो फेसबुक के आपके ग्रुप में अंदर आ जाए, ताकि उन्हें कॉन्स्टेंटली आपका जो फीड है वो मिलता रहे। सो आई थिंक माई अप्रोच वुड बी दिस, कि फेसबुक पेज से ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पर लेके आइए, और अपने ब्लॉग पर उन्हें अपने ट्राइब में शामिल करने की कोशिश कीजिए। फिर भले ही वो कोई भी मीडियम क्यों ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या टेलीग्राम का ग्रुप हो, चैनल हो, या फेसबुक ग्रुप, दीज आर ऑल ग्रुप्स बनाने की जगह। आप एक ट्राइब क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नर्चर कर सकें, आप उनके साथ बार बार कम्युनिकेट कर सकें और कन्वर्ट कर सकें। ओके, मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता, निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज वो पाए, उसे इंप्लीमेंट करें और उसके सहारे, उसके हेल्प से वो पैसे कमा सके। बाय बाय, गुड नाइट, वुहू।